देश के युवाओं की सेना में भागीदारी को बढ़ाने और सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी। भारतीय सेनाओं में भर्ती अब अग्निपथ योजना से होगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाह रहे युवाओं में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल है। अग्निपथ योजना से सेनाओं में किन पदों पर भर्ती होगी, भर्ती की योग्यता क्या होगी, परीक्षा, चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार कैसे होंगे, ट्रेनिंग, नौकरी और वेतन भत्ते पेंशन किस तरह से मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि भर्ती निकली है और कैसे आवेदन कर सकेंगे, इस तरह की कई सारी जानकारियों को लेकर हम आज इस वीडियो में आए हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। आर्मी में सैनिक यानी कि जवान, नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है वो भर्तियां अब इस योजना के तहत ही होगी। क्या होगी अग्निवीरों की सैलरी? हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 रुपये महीना सैलरी, दूसरे साल 33,000 रुपये प्रतिमाह, तीसरे साल 36,500 रुपये प्रतिमाह और चौथे साल 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी, सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी से 30% हिस्सा काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी। 4 साल बाद सेना से ड्यूटी मुक्त होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 साल बाद सेना से बाहर किए गए युवाओं का क्या होगा? 4 साल की सेवा के बाद सेना से ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता देगी। इन्हें CPF और असम राइफल की भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। 4 साल की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होगा? सभी अग्निवीरों को 48,00,000 रुपये का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44,00,000 रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवानिधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान भी किया जाएगा।